सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल्स दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। तो हसन दो तरह की कपड़े खरीदता है, कपड़े की मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल जो उसे कॉस्ट पड़ता है ₹50 प्रति मीटर, और ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है जिसके लिए ₹90 प्रति मीटर उसे कॉस्ट पड़ता है। अब देखिए, ये तो गई कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 इस क्या कहता है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो शर्ट बनाने में 3 मीटर और ट्राउज़र बनाने में 2 मीटर कपड़े लगते हैं, अर्थात ट्राउज़र में कम कपड़े और शर्ट में ज़्यादा कपड़े लगते हैं। ठीक है, यही कहने का मतलब है, क्योंकि एक ट्राउज़र पे एक ही शर्ट चाहिए। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, यहाँ पर शर्ट मटेरियल पहले पहले आया है और ट्राउज़र मटेरियल बाद में आया है। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि 12% वो शर्ट पे और 10% वो ट्राउज़र पे प्रॉफिट करता है, और उसकी टोटल सेल होती है 36,600 रुपीज़। ठीक है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाइज, उसने कितना मटेरियल ट्राउज़र का ख़रीदा। अब देखो, ये नहीं बताया है कि उसने कितने मीटर कपड़े शर्ट के लिए ख़रीदा और कितने मीटर कपड़े उसने ट्राउज़र के लिए ख़रीदा। तो देखो, प्रति 3 मीटर शर्ट के मटेरियल पे 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल उसे लगता है। अब इसे बहुत अच्छे से समझो, ये देखो ट्राउज़र और शर्ट इसका एक पेयर बन गया। ठीक है, आप मार्केट में कुछ लेने जाते हो, यूनिफॉर्म लेने जाते हो, तो आप शर्ट और पैंट दोनों ही खरीदते हो एक साथ, तो ये इसका एक जोड़ा बन गया। लेकिन वो कितने जोड़े उसने खरीदे हैं वो इसे पता नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन उसने खरीदा है। तो वो हम मान लेते हैं कि एक्स जोड़ी उसने ट्राउज़र और शर्ट का खरीदा। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि इसका रेशियो बना लो, 3 मीटर पे 2 मीटर कपड़े का ट्राउज़र लगता है। अगर 4 मीटर है तो यहाँ पर 6 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर ट्राउज़र है तो 9 मीटर शर्ट का मटेरियल हो जाएगा। तो इनके बीच में एक कॉमन है, वो कॉमन हमें पता नहीं है, उस कॉमन को हम मान लेते हैं एक्स। शर्ट मटेरियल रेशियो ट्राउजर मटेरियल, इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, रेशियो का क्या मतलब है कि रेशियो तभी बनते हैं जब उन दोनों संख्याओं में, दोनों रेशियो में कोई कॉमन हो, कोई HCF हो। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, रेशियो तभी बनते हैं जब उन दोनों के बीच में कोई कॉमन अथवा HCF हो। वो HCF हमें पता नहीं है, उस HCF को हम मान लेते हैं X मान लेते हैं। ठीक है, देन शर्ट मटेरियल इज ₹3 एंड ट्राउजर मटेरियल विल बी 2x। ठीक है, अब ये x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये x इज नंबर। ठीक है, कितने ट्राउजर हैं और कितने शर्ट हैं, ठीक है, नंबर में। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। शर्ट मटेरियल कॉस्ट है 50 मीटर पर मीटर, ₹50 पर मीटर। देन हमारे पास में कितने मीटर शर्ट है, 3x मीटर। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू ₹50। अब 1 मीटर में अगर ₹50 है तो 3x मीटर में अधिक होगा कम होगा, अधिक होगा डेफिनेटली, और अधिक के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 50 × 3x इज इक्वल टू 3 3 5 50 एंड
150x। ये तो शर्ट मटेरियल का कॉस्ट हमारे पास में आएगा 150x। अब देखो ये शर्ट को सेल करता है 10-12% के प्रॉफिट पे, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट एट द रेट ऑफ 12% गेन, गेन अर्थात प्रॉफिट। ठीक है, उसे प्रॉफिट हुआ है, देन प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, पी परसेंट अर्थात प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज 12 अपॉन में 100 इंटू सीपी इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 150x। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, 112 इज 112 अपॉन में 100 इंटू 150x। ठीक है, इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 3, 3 5 से 15 एंड 5 से 2 एंड 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 5 2 से 10 एंड 6 2 से 12। 56 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 से 18, 3 5 से 15 एंड 1 16, 168x। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल का निकाला, अब कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू, ट्राउजर का कॉस्ट क्या था, 90 रुपीज पर मीटर में, तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू 2x इज इक्वल टू 180x। समझ में आया आपको, जैसे यहाँ पर किया वैसे ही यहाँ पर करेंगे, 90 इंटू 2x। ये टोटल नंबर है और ये प्राइस है, रेट है ये। ठीक है, ये इतने मीटर है और ये पर मीटर है, ये पर मीटर रेट है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, 180x। अब यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर, सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर एट 10% गेन। 10% से प्रॉफिट हुआ है, देन इसका फॉर्मूला हम यही वाला लगाएंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 10 अपॉन में 100 एंड सेलिंग प्राइस इज 180x। इसी फॉर्मूले में मैंने इसको रखा है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, 110 अपॉन में 100 इंटू 180x। 0 से 0 कैंसिल, जहाँ पर 9 9 2 से एंड 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5, और 5 से 110 को कैंसिल करेंगे तो 5 2 से 10 एंड 5 2 से 10। 22 इंटू 9x इज इक्वल टू 9 2 से 18, 9 2 से 18 एंड 119 एक्स, 198x आ गया। अब देखो हमारे पास में सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट आ गई है 168x एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर आ गई है हमारे पास में 190x, 98x। हिज टोटल सेल इज रुपीज इतने, तो दोनों का जो सेल हुआ है 168 एंड 198x, इन दोनों का सेल है 36,600। ठीक है, अब हम लिखेंगे एज पर द क्वेश्चन, वन सिक्सटी एट एक्स प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8 एंड 8 इज 6, रिमाइंडर 1, 9 एंड 6 इज 15 एंड 1 इज 16, रिमाइंडर 1, 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 इज 3, 366 इज
एक्स इज इक्वल टू 36,600, ठीक है। देन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, इसमें डिवाइड हो जाएगा 36,600 में 366 का डिवाइड हो जाएगा। इसे कैंसिल करते हैं तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा वन, यहाँ पर 100 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई 100 मीटर्स। अब पूछा क्या है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही। अब ट्राउजर मटेरियल कितना है, ट्राउजर मटेरियल इज 2x, ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x। एक्स के स्थान पर हम 100 रखेंगे, 2 × 100 इज इक्वल टू 200 मीटर्स, ठीक है। देन हम आंसर में क्या लिखेंगे, हेंस हसन बॉट 200 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ये आंसर है, दिस इज द आंसर, इतना आपको करना है। होप आपको 7वां प्रश्न बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।